आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद क्या है? प्रेस मीडिया बुलाने का उद्देश्य यह है कि हम लोग आगामी जो चुनाव हुआ है उसमें 9 निर्वाचित सदस्य जो है होली मिलन समारोह और संत हरिदास का जयंती मनाने के लिए हम लोग का एक कार्यक्रम था जो कि पुलवामा हमला के बाद स्थगित करना पड़ा। यही कारण कि प्रेस को बुलाकर हम सूचित कर रहे हैं ये कार्यक्रम हम लोग अभी स्थगित। आगे लोकसभा चुनाव को लेकर भी कुछ रणनीति तैयार हुई है? लोकसभा चुनाव के लिए आगामी रणनीति यह है कि हम लोग सिवान में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे विचार विमर्श करने के बाद हम लोग आगे की रणनीति अपना क्लियर करेंगे कि हम लोग का समर्थन किस पार्टी के द्वारा किस पार्टी को दिया जाएगा और ये हम लोग आपसी विचार विमर्श के बाद। चुनाव में स्वर समाज की भी भागीदारी बहुत ज्यादा रहती है, वैसे में विकास के मुद्दों को लेकर किस तरह लोगों के पास है? हम लोग की चुनाव में भागीदारी बहुत अधिक है लेकिन कोई भी पार्टी हम लोग को अनदेखी करता है और इसके लिए हम लोग एक निर्णय लेके जिस भी पार्टी को हम लोग अपना समर्थन दें उसको सभी का निर्णय एक मत हो और जो हम लोग को उचित भागीदारी राजनीतिक स्तर पर देगा उसी में हम लोग साथ जाएंगे। जब ये चुनाव हुआ था उसका क्या कुछ विरोध हुआ था? जब ये चुनाव हुआ था तो कुछ विरोध हुआ था, कुछ पूर्व में जो हमारे संगठन के अधिकारी लोग थे वो चाहते थे कि बिना चुनाव हम ही लोग को चुना जाए, लेकिन चूंकि टोटल प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से हुई है और हम लोग निर्विरोध चुने गए। ठीक है, प्रणाम। मेरा नाम राजा बाबू और मैं अध्यक्ष स्वर्णकार जिला स्वर्णकार अध्यक्ष हूँ। लोगों का जो भी चुनाव हुआ विगत 13/1/2019 को हम लोगों का निर्वाचन हुआ जो कि निर्विरोध हुआ और पूरी तरह इसमें जितनी भी प्रक्रिया अपनाई गई वो पूरी तरह लोकतांत्रिक थी और पारदर्शी थी, इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं थी। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण अगर आप मीडिया वाले हैं और उसका लेना चाहते हैं तो एक बोर्ड हम लोगों के संघ के द्वारा वहां लगाई गई है, उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा तो इससे हमारा टोटल समाज जो है वो पूरी तरह से जागरूक और समझ जाएगा कि कैसी स्थिति थी और किस प्रकार किस प्रोसेस के माध्यम से हम लोग इलेक्टेड हुए हैं। मानते कि जो अभी जो संगठन तैयार हुआ है इसके जो अध्यक्ष हुए हैं क्या ये विकास होगा समाज का? देखिए आज तक जितने भी हमारे पूर्ववर्ती अध्यक्ष महोदय रहे हैं मैं उन लोगों की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक बात एकदम बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये संदेश देना चाहता हूं कि आज तक जितने भी हम लोगों के अध्यक्ष महोदय हुए हैं उनमें जो अभी वर्तमान अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं वो सबसे निडर सबसे दृढ़ निश्चयी और अपने बदौलत अपने बल के आधार पर अपने स्वमता विवेक के आधार पर कोई भी निर्णय लेने का अगर उनके पास बुद्धि है उनके पास अपनी एक कैपेसिटी है उस माध्यम से उस हिसाब से हम लोगों का सारा समाज उनको अध्यक्ष निर्वाचित किया है। ठीक है, अपना नाम रमेश कुमार, महासचिव जिला स्वर्णकार संघ सिवान। सभी खबरों पर अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।